तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कर रहे हो फोर्थ एनिवर्सरी का बेसब्री से इंतजार, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाया जाए। तो जैसा कि आपको पता है, एडवांस सर्वर में अच्छे से लीक्स नहीं निकल पाते, रिटेन लीक्स निकलते या कुछ फोटोज निकलते, प्रॉपर वीडियो नहीं निकल पाता है। तो एडवांस सर्वर के अंदर फोर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड जितने भी लीक्स निकले, मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूं, और OB29 आते ही मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। तो फोर्थ एनिवर्सरी को बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये पॉसिबल गोल्ड रॉयल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, तो आपने पॉसिबल गोल्ड रॉयल देख लिया, आपको लंबी लंबी वीडियो देखने जरूरत नहीं है, मैंने सीधा यहाँ पे बता दिया आपको ये देखने को मिलने वाला है। तो अपने OB29 अपडेट के बाद, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ऐसा अपना लॉबी हो जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छा लॉबी लग रहा है, म्यूजिक टाइप का लॉबी, जैसा कि फोर्थ एनिवर्सरी का थीम है म्यूजिक पे, वैसे ही आपको लॉबी देखने को मिल रहा है। और आप साइड में देखोगे यहाँ पे तो फोर्थ एनिवर्सरी का आइकन है, आपको फोर्थ एनिवर्सरी के इवेंट्स खुलेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक और कोने में देख पा रहे होगे, सितंबर इलाइट पास का लॉबी बॉक्स, जो कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई सितंबर इलाइट पास के बारे में। सो अब मैं बताता हूँ आपको इसके पीक डे के बारे में। सो इस एनिवर्सरी का डेट होने वाला है 28 अगस्त। 28 अगस्त को इस फोर्थ एनिवर्सरी का पीक डे होने वाला है, और इसमें आपको एक बहुत ही अमेजिंग सा बंडल देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा VFX है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पोस्टर में लिखा हुआ है 28 तारीख को होने वाला इसका पीक डे, और ये दो बंडल सामने है। तो दोनों बंडल बहुत ज्यादा देखने में अच्छे लग रहे हैं। ये होने वाला है अपना फोर्थ एनिवर्सरी का मेन बंडल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो मैंने आपको बंडल दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस फोर्थ एनिवर्सरी का इवेंट कैसा होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये कुछ टाइप का पीछे में एनिमेशन चल रहा है इस इवेंट का, लेकिन ये इवेंट फुल्ली तरह से रेडी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि OB29 में होगा फुल रेडी, एडवांस सर्वर में फुल रेडी नहीं होता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है लॉग इन रिवार्ड, जिसमें आपको नॉर्मल सी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि पैराशूट हो या फिर लूट बॉक्स हो या गन हो, ऐसा कुछ करके कुछ मिलेगा देखने को। और आपको यहाँ पे डेली मिशन कंप्लीट कुछ मिलेगा आपको, जो भी आइटम्स मिलना है वो मिलेगा, वो मैं आपको OB29 अपडेट के बाद बताऊंगा, क्योंकि अभी एडवांस सर्वर में इतने ही लीक्स निकले। और यहाँ पे आप देख सकते हो वेव इवेंट लिखा हुआ है, तो फोर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड आपको एक वेव इवेंट भी देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इवेंट का जैसा कि लग रहा है एनिमेशन देख के तो काफी अच्छा लगा ये इवेंट। अब पता नहीं है कैसा होने वाला है ये इवेंट, वो आपको OB29 में ही पता चलेगा। इसके अलावा एक और आपको पांडा का स्किन मिलने वाला है, जो कि पांडा का स्किन ना तो फोटो मिला है उसका एडवांस सर्वर में, ना ही गरेना वालों ने उसकी तरफ से कोई वीडियो रिलीज किया है। एडवांस सर्वर में गरेना वालों ने बस बताया है कि हाँ, आपको एक पांडा का स्किन मिलने वाला है, और एक और आपको मेल बंडल मिलने वाला है, फिर जीप स्किन, फिर मॉन्स्टर ट्रक। और जैसा कि आपको पता है, जीप स्किन मॉन्स्टर ट्रक तो आपको रैम्पेज में ही फ्री मिल गए थे, ये तो भाई इससे भी बड़ा इवेंट है, इसमें आपको फ्री मिलना ही मिलना है। और फिर पैराशूट है, सर्वबोर्ड है, लूट बॉक्स और दो बैकपैक विद एनिमेशन होने वाले हैं। तो ये सब लीक्स मिले मुझे एडवांस सर्वर के फाइल्स। आपको पता होगा कि सेकंड एनिवर्सरी में हमें दो बंडल फ्री देखने को मिले थे, इमोट, पेट स्किन, गन स्किन, सब आपको फ्री देखने को मिला था। तो हो सकता है फोर्थ एनिवर्सरी में आपको बंडल फ्री देखने को मिल जाए, ऐसा बंडल जो आपको मिशन कंप्लीट करके मिले या फिर लॉग इन रिवार्ड पे मिल जाए। और जो लोग पुराने बंदे उनको पता होगा, काउ बॉक जब इलाइट पास आया था तो आपको बिल्कुल फ्री देखने को मिला, वैसे ही हो सकता है फोर्थ एनिवर्सरी में आपको फ्री देखने को तो ना मिले, क्योंकि फ्री देखने को मिलने का बहुत कम चांसेस है। सो आपको डिस्काउंट मिल सकता है इस इलाइट पास पे, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आपको ये आने वाला स्कैरक्रो इलाइट पास है उस पे आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाए। सो आपको पता होगा कैरेक्टर तो फ्री मिलना ही मिलना है, आपको सारे कैरेक्टर्स फ्री मिलने वाले हैं, और जो एक्टिव स्किल कैरेक्टर है जो गरेना वाले फ्री नहीं देना चाहते उस पे गरेना वाले डिस्काउंट दे सकते हैं। जो जैसे कि आपको पता है कि थर्ड एनिवर्सरी के टाइम पे आलोक पे डिस्काउंट आया था, 199 डायमंड्स में मिल रहा था, वैसे ही फोर्थ एनिवर्सरी में आपको जो सबसे मेन कैरेक्टर है, जिसे सबसे ज्यादा चल रहा है अभी, उस पे आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है एक्टिव स्किल वाले कैरेक्टर पे। तो अपने डायमंड्स बचा के रखना फोर्थ एनिवर्सरी के लिए। और फोर्थ एनिवर्सरी में ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंक्यूबेटर बैग देखने को मिले, क्योंकि बहुत दिनों से बैग देखने को नहीं मिला, सब इंतजार कर रहे हैं इंक्यूबेटर कब बैग आएगा। और फिर आपको मैजिक क्यूब में भी चेंजेस देखने को मिले, लेकिन भाई ब्रेक डांस और आर्टिक ब्लू तो कोई जिंदगी में मैजिक क्यूब में नहीं आने वाला, इसलिए उसके चक्कर में मत रहना, क्योंकि मैजिक क्यूब में आ जाएगा फिर सब लेके घूमेंगे। कोई चीज जब तक अच्छी है जब तक वो रेयर है, ठीक है। फोर्थ एनिवर्सरी अपना बहुत ज्यादा ऑसम होने वाला है, उसका थीम बहुत ज्यादा अच्छा है, म्यूजिक टाइप का थीम है, बस अपने थर्ड एनिवर्सरी की तरफ सबसे बेकार ना जाए, होप यही है कि सेकंड और फर्स्ट एनिवर्सरी की तरफ बहुत अच्छा जाए, तो हमें मजा भी आएगा फोर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।